अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज ट्यूसडे है और काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। तो एक लास्ट टाइम बनाया था, नाइट टाइम था। तो जी इस वक्त मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मैं अकेले में कैसे मैनेज करती हूँ, क्या करती हूँ। मैंने जी आज घर में मैं अकेली हूँ, सासू माँ नहीं है और साथ में व्लॉग बना रही हूँ और साथ यहाँ पे दुआ है मेरे पास जो फीड कर रही है। और जी आप सुनाएं, मौसम बहुत मज़े का आ गया है, दिसंबर स्टार्ट हो गया है तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो आप लोग भी उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं ये दुआ है, लेटी हुई है झूले में, इसको मैं इस झूले में लटाती हूँ। इस वक्त पैम्पर नहीं लगा हुआ है, इसको मैंने पैम्पर उतारा हुआ है, इसका डे टाइम कम लगाती हूँ पैम्पर। और ये देसी झूला है, मैं वो देखें देख रही है। अच्छा जी, इसमें मैं इसको इसलिए लटाती हूँ, इसका ये फ़ायदा है इस झूले का कि बच्चे इसमें नैप बहुत ज़्यादा लेते हैं और सुकून से सोते हैं। ये दिन टाइम बहुत कम सोती है, बहुत कम, और मुझे बहुत तंग करती है, रात को भी लेट सोती है और बहुत कम नींद लेती है। फिर मेरी कोशिश होती है मैं इसे झूले में लटा दूँ, ये कुछ देर फिर भी आधा घंटा सो जाती है दिन को। अगर इसमें जो लटाते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे अपनी नींद जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा लेते हैं। ये देसी झूला है और गांव में ज़्यादा ऐसे ही चलता है। इससे क्या होता है, मेरे पास कैरी कॉट भी है, उसमें मैं कम डालती हूँ, ज़्यादा इसमें डालती हूँ दिन टाइम। तो इसमें बच्चा नैप एक तो अच्छी लेता है और इस उसको यूँ फील होता है जैसे माँ की गोद में होता है। तो जी नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, काम वाली आई थी, वो काम वगैरह कर चुकी है, चली गई है सफाइयाँ करके। और इस टाइम मैं घर में अकेली हूँ, सासू माँ जो मेरी हैं वो अपनी बेटी के पास गई हुई हैं, तो बिलाल जो है वो बैंक चले गए हैं। और इस टाइम तो टाइम काफ़ी हो चुका है, दोपहर का टाइम है, 12 बज गए हैं। तो मिशेल को नहीं ला के मैंने आपको जैसा कि दिखाया था वीडियो में सुला दिया था, और साथ साथ में देख रही थी। अच्छा, बहुत से व्लॉगर्स हैं तो मुझे जो सबा इब्राहिम है थोड़ी सी मतलब बड़ी क्यूट लगती है, ज़्यादा शौक से तो नहीं देखती किसी को लेकिन अच्छा लगता है वो, उसकी मोस्टली मैं वीडियो देखती होती हूँ। और मैं आपको ये बताऊँगी माय सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस, मेरे खुश रहने का सीक्रेट क्या है और कैसे होता है। ये नहीं है कि हर किसी की लाइफ बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन बहुत सी परेशानियां होती हैं घरों में, जैसा कि आप लोगों को भी पता है, कुछ गमी, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप लोगों को पता है कि स्पेशली जब आप एक मैरिड लाइफ गुजार रहे होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बहुत नाजुक से होते हैं, हर तरफ देखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ों में बहुत टेंशन मिलती है। तो इन समय में खुश कैसे रहती हूँ, तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी। तो आप लोग अगर कुछ होता है या कोई बात हो जाती है, तो मैं बस जो कोई कुछ गलत करता है तो मैं उसको फिर इग्नोर करती हूँ। तो इग्नोर से ये होता है कि एक तो आप खुद भी टेंशन नहीं लेते और दूसरा मतलब आपको फील नहीं होता और उससे कि ज़्यादा झगड़ा नहीं होता। तो आप लोग भी कोशिश किया करें जब कोई ऐसी चीज़ हो तो इग्नोर किया करें चीज़ों को। इग्नोर करने से आई थिंक मैं इस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं समझती कि आप ज़्यादा बात करने से ये होता है कि अगर आप एक बंदा आपको कोई टेंशन दे रहा है या कुछ भी है तो आप ही तो नहीं ना जाहिल, अगर एक तो ये तो एक जहालत होगी ना। तो बेहतर है कि आप लोग चुप करें, सब्र करें और अच्छा टाइम आता है, हर इंसान पे आता है और उस अच्छे टाइम का वेट करें। और हर अच्छे बुरे वक्त में मतलब ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश होती है, तो कोशिश किया करें कि सब्र का दामन हमें हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। और इसके अलावा टेंशनें बहुत सी होती हैं और इन सब में खुद को कोशिश करें, सबसे पहले आपकी अपनी ज़ात है, अपनी ज़ात के साथ कंप्रोमाइज़ भी करें लेकिन अपना भी ख्याल रखें और इग्नोर करें सब चीज़ों को, यही सबसे बड़ा हथियार है और जाहिल नहीं बनना चाहिए। तो आई थिंक
ये बहुत ज़्यादा बेटर है कि हम लोग चीज़ों को इग्नोर करें। अगर इग्नोर करने से ये होता है, एक तो आप बहुत ज़्यादा सुकून में रहते हैं, आपको खुशी मिलती है, और सही मेरा यही हाल है, जब मैं इग्नोर करती हूँ तो मैं बहुत खुश रहती हूँ छोटी छोटी चीज़ों को। तो इसी एक तो खुश रहते हैं, दूसरा ये है कि ज़्यादा लड़ाई फैलती नहीं है, झगड़ा बढ़ता नहीं है। तो आप लोगों से भी मैं यही करूँगी कि कहूँगी, और जो लोग ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं और ऐसा होना भी चाहिए। और उम्मीद करती हूँ कि सब अपने घरों में खुश होंगे और अल्लाह ताला सबको खुश ही रखे। ख़ास तौर पे मैं अपनी बहनों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अगर कोई बात हो जाती है तो कुछ भी हो जाता है घरों में, मैरिड लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो कोशिश करें सह जाएँ, पी जाएँ, चुप हो जाएँ, क्योंकि जो भी है कुछ भी है तो बोलने से क्या होता है, आपका झगड़ा बढ़ जाता है। और बहुत सी और भी टेंशनें होती हैं, ज़रूरी नहीं कि घरेलू झगड़े होते हैं, तो वो हर टेंशन का यही हाल होता है कि आप लोग चीज़ बेहतर करने की कोशिश करें और ख़ुद को भी मतलब कुछ चीज़ों में करें कि चेंज करें, क्या चीज़ सही है क्या गलत है हमें खुद पता होता है, तो सोच के ज़रा चलना चाहिए। और आई होप आप लोगों को ये चीज़ें, मेरी बातें अच्छी लगी होंगी सुन के, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ऐसे ही खुश रहेंगे और खुश रखें सबको, हालात ऐसे ही होते हैं। तो ये दुनिया आरजी है, हमने हमेशा की ज़िंदगी गुजारनी है तो वो ऊपर जाके ही गुजारनी है, तो यहाँ हमने हमेशा नहीं रहना। तो कोशिश किया करें आप लोग भी कि छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करें और बस अपना सीधा रास्ता अपना के रखें और बुरी चीज़ों से बचें और नमाज पढ़ें और ऐसी चीज़ें करें कि जिससे आपको दिली सुकून मिले। और एक तो होता है कि कुछ गलत चीज़ें होती हैं जिनको कर लेने से हमें आरजी सुकून तो मिल जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं होता। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग वो सोच के पछताते हैं, तो बेहतर है कि अभी जवानी है, जवानी में ही तो अपने आप को भी संभालें और अच्छे काम करें और दूसरों के साथ अच्छा सलूक करें, अपने बड़ों का एहतराम करें और जहाँ पे हो सके अपने वालदैन की इज्जत करें, और करनी भी चाहिए। और हर रिश्ता एक ख़ास रिश्ता है, हर रिश्ते की कदर करें, और जहाँ पे आपको लगता है कि आप लोगों की कदर नहीं है वहाँ पे चुप रहें और अपनी जगह चेंज कर लें। और जी एंड पे आप लोग सोचते होंगे कि बाजी कैसी बातें कर रही है, तो मैं ऐसी ही बातें करती हूँ। तो एंड पे जी मैं आप लोगों से यही करूँगी कि वो कहते हैं ना कि जब आप बहुत ज़्यादा मायूस हों तो अपने रब से मांगो, तो हमें दुआ करनी चाहिए, तो अल्लाह ताला हमारी आजमाइशों को दूर करता है और हमें सब्र देता है और हमारी दुआएं कबूल करता है, और वो ज़रूर करता है। और बेशक इन्नल्लाह मसाबिरीन, जैसे कि कुरानी आयत में है इन्नल्लाह मसाबिरीन, अल्लाह ताला बेशक सब्र करने वालों के साथ है। तो हमें सब्र करना चाहिए और अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, और जिस चीज़ में हमें अल्लाह ताला ने रखा है, जिस रिज़्क में रखा है, जितना दिया है उसी में खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों के देख के हमें अपने अंदर हसद पैदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला भी वही पसंद करते हैं। और जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और जिस चीज़ में वो राज़ी है उसमें हम राज़ी रहें, तो ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है। और ये आप सब भी, तो जी आज का टॉपिक मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। और देखें यहाँ पे दुआ सो रही है, और उसका भी थोड़ा सा ख्याल करना है, और उसका टाइम है, उसने थोड़ा सा मेरे साथ खेलना होता है, इस टाइम उसको मैंने उठाना होता है। और दोबारा आऊँगी एक नई वीडियो के साथ, और जो बातें मैंने की उनको ज़रूर सोचिएगा, और अगर आप लोगों को कुछ अच्छी बातें पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करें। और मैं दोबारा आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।